सिक मित्रा दिवधेरी क्यों दिलड़ी उदास घने च शौक चंगेरी ए अज नैना लाया क्यों झड़िया। नबी मुअज़्ज़म ख़त्मी मर्तबत आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की गुफ्तगू के लिए मौका मैसर आया है तो ये सआदत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में उनके ज़िक्र को बुलंद करने का वादा फरमाया है और उनके ज़िक्र को बुलंद किया है। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको बहुत से नामों से पुकारा है, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दसिर, कहीं सिर्फ अब्दुहू। ये सब मोहब्बत की और उनकी मंजिलत की और उनकी फजीलत की निशानियां हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते बसते हैं अजान होती है, उनके नाम को बुलंद किया गया और क़यामत तक ये नाम बुलंद रहेगा। अल्लाह सुब्हान ताला के तौहीद का और उनकी वहदानियत का इकरार किया जाता है और नबी मुअज़्ज़म की ख़ातमियत का, उनकी नबूवत का ऐलान किया जाता है। सबसे पहले जो मदहा और सना नात की सूरत में कसीदे के तौर पर पाई जाती है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पेशतर हज़रत अबू तालिब का एक कसीदा है, उसको कसीदा लामिया कहते हैं। लामिया कसीदे में हज़रत अबू तालिब ये फरमाते हैं कि आपका रुख रोशन ऐसा है कि कुरैश की औरतें उसका वसीला बनाकर बारिश की दुआएं करती हैं और आप गरीबों और मिस्कीनों और मजबूर और मजलूम लोगों की हिमायत फरमाते हैं। गोया दो बातें तय हुईं, एक तो सरापा हुजूर का और दूसरी बात उस्वा और सीरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब हुजूर की ज़िंदगी, इस्लाम, कुरान का आना, इसके बाद बहुत अहम नातगो शुरा सामने आते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो अरब के बहुत बड़े शायर जिनका कसीदा खाने काबा में आवेज़ा किया गया था और सभा मुअल्लक़ात में वो शामिल हैं, ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा, उनके साहबजादे थे काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु, परवरदिगार आलम उनसे राज़ी हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने उनका कसीदा पढ़ा। सरकार वाला तबार ने उनको अपनी चादर अता फरमाई और उनको दुआ दी। कसीदा बुद्दा शरीफ जो आप सुनते हैं, अव्वलीन कसीदा बुद्दा शरीफ जो है वो काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु का है। محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا। हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे बड़े मद्दाहे रिसालत पनाह हैं।
हसान बिन साबित के बारे में कहा जाता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मदीने के नवाह में एक बाग मरहमत फरमाया। और मैं ये कहता हूँ कि हर वो शख्स कि जिसको नात कहने की सआदत मैसर आई, वो किसी न किसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसी न किसी बाग की जज़ा का मुस्तहिक ज़रूर ठहरा होगा और ठहराया जाएगा इंशाल्लाह आखिरत में भी। एक और नातगो शोरा में अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी नातें महफूज हैं। बहुत और भी असहाब हैं जिन्होंने हुजूर के सिलसिले में नात कही। तो अरबी शायरी में कसायद की शक्ल में नात का एक तसलसल है। और जो आखिरी बड़ी नात अरबी की हमारे यहाँ बहुत मकबूल है वो है कसीदा बुर्द शरीफ हज़रत बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का कसीदा जो है। और कसीदा बुर्द शरीफ शायद कोई जगह दुनिया में मुसलमानों की ऐसी होगी जहाँ उसकी किरत न की गई हो और जहाँ उसकी तिलावत पढ़ा न जाता हो और जिसको जिससे कस्बे फैज़ न किया गया हो। बरसग़ीर में उर्दू में बेशुमार उनके तर्जुमे हैं, फ़ारसी में बेशुमार उनके तर्जुमे हैं, और हमारी जो पाकिस्तानी ज़बानें हैं उसमें ख़ास तौर पर मैं ज़्यादा ज़बानों के बारे में नहीं जानता, मगर मैं पंजाबी ज़बान के बारे में जानता हूँ कि उसमें भी कसीदा बुर्द शरीफ के बहुत अहम तर्जुमे किए गए। और आज से कुछ सालों पहले बाबर अली शाह साहब के ज़ेर एहतमाम नहायत आला दर्जे का की एक किताब शाया की गई थी, वो उन्हीं तर्जुमों पर मुश्तमल थी। यहाँ हमारे गिर्दोनवाह में बहुत से तर्जुमे हुए, हामिद अली साहब का तर्जुमा है और उन्होंने पंजाबी में भी किया है, अंग्रेज़ी में भी किया है, उर्दू के तर्जुमे। मेरी लाइब्रेरी में बहुत से नुस्खे हैं जो कसीदा बुर्द शरीफ के। अभी हाल ही में दो बहुत अच्छे तर्जुमे उर्दू में हुए। ये एक तर्जुमा है हमारी बहन प्रोफेसर नजीबा आरिफ का नवाहे काज़मा के उन्वान से, उन्होंने मंजूम तर्जुमा किया है और ये यहाँ दस्तयाब है इस्लामाबाद में। और ये मंजूम तर्जुमा नहायत आला दर्जे की आप देख रहे हैं, यानी जो नफीस किताबें होती हैं बाहर की, उस तरह का ये नुस्खा है। और बिल्कुल अभी जिसे आप कहिए, अभी इसका ऐलान भी नहीं हुआ है मगर उन्होंने अल्लाह करम मुझे मरहमत फरमाया है, ये तर्जुमानुल बुर्दा प्रोफेसर खुर्शीद रिज़वी हमारे जो मेरे ख़्याल में इस वक्त आपका जो मकाम है और जो मंजिलत है वो ये है कि शायद ही कोई दूसरा आदमी अरबी ज़बान व अदब पर इस क़दर तसल्लुत रखता हो, तगलबा रखता हो। तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पराज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पय मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह, चूसुए मन गुजर रारी मन
ने मिसकीन नादारी चुसुए मन गुजरारी मने मिसकीन नादारी फिदाए नक्शे नालेनत कुनम जा या रसूल अल्लाह फिदाए नक्शे नालेनत कुनम जा या रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात अगर एक अच्छे अंदाज में पढ़ी जाए तो ना सिर्फ सुनने वाला उसके असर को कबूल करता है बल्कि उस पैगाम की गहराइयों तक जाने की कोशिश करता है जो उन अशार के ज़रिए उसका जहन वसूल कर रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद की आयात मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नात बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के महामिद और महासिन को कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात मुबारक में जमा किया गया। और कुरान करीम के बारे में हम सब जानते हैं कि जब अरबों के सामने इस कलाम को पेश किया गया तो अरबों ने अव्वलन ये इजहार किया कि ये तो हकीकत में शायरी महसूस होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कलाम मजीद शायरी नहीं है, नसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में अपने मतालिब और अपने मफाहीम के इजहार के दो बड़े ज़राए थे। एक खिताबत, बड़े बड़े खुतबा मौजूद थे जो फसीह व बलीग अंदाज में खुतबे के ज़रिए अपने पैगाम को आगे पहुँचाते थे, और दूसरे शुआरा, और शायरी तो अरबों की घुट्टी में पड़ी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत नाबिगा, हज़रत काब बिन जुहैर रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम का ज़िक्र मिलता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुजूर नात पेश फरमाया करते थे। और जब हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ख़ुद अपने कहे हुए अशार को जो आपने ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जंगों के मौका पर, और मौका भी वो कि जब घुमसान का रन पड़ा हुआ है, जब अफरा तफरी का आलम है, उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से अपने नबी होने का ऐलान किया और इस अमर का ऐलान किया कि आप झूठे नहीं हैं, तो सहाबा कराम के दिलो दिमाग पे उन अशार का असर इस तरह पड़ा कि वो सहाबा कराम जो बिखरे हुए थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। आप ग़ज़वा उहद को देख लीजिए, ग़ज़वा हुनैन को देख लीजिए, दोनों ग़ज़वात में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का शेरी अंदाज में सहाबा कराम को मुतवज्जे करना और फिर सहाबा कराम का पलट के दोबारा आपके इर्द गिर्द जमा हो जाना, ये उसी शायराना अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से निकले हुए कलमात का असर है। चूमा है कुदसियों ने तेरे है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को थामी है आसमान ने
झुक कर तेरी रकाब थामी है आसमान ने, झुक कर तेरी रकाब ए खावरे हिजाज के रक्षिंदा आफ्ताब। अरबी में बहुत कसीदे लिखे गए। अच्छा, उसके बाद फारसी में आप देखिए कि पहले यानी बड़े शायरों में सबने ही कसीदे लिखे हैं। हमारे फरीदुद्दीन अत्तार हों, जलालुद्दीन रूमी हों, अबू सईद अबुल खैर हों, सिनाई हों, गालिब हों, सब ने। मगर जैसा कसीदा फिर हम फारसी में हमारे यहाँ हकीमुल उम्मत मोहम्मद इकबाल ने लिखा, वैसी तहरीरें शायद कम कम नज़र आती हैं। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ते हैं, मैं उनकी मदह करके अल्लाह को सुना रहा हूँ। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ते हैं, उन ज़ात पाक मर्तबदान मोहम्मद अस्त, बस वो हैं कि जो मर्तबदान हैं उस मंजिलत के, उस मकाम के, उस रुतबे के, उस हैसियत के जो अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ से उनको अता की गई। अठारह सौ सत्तावन में जो क़यामत मुसलमानों पर गुज़री वो एक बहुत बड़ा, जिसे अंग्रेज़ी में टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो नुक्ता बन गई। मुसलमानों को होने या ना होने का फ़ैसला करना था, जिसे कहते हैं टू बी और नॉट टू बी। अंग्रेज़ किसी सूरत मुसलमान को मुआफ़ करने वाला नहीं था, और वो बहुत कदीम बदला भी चुकाना चाहता था जो सलीबी जंगों से उसके सीने में करवट ले रहा था, और यूँ उसने ताजो तख्त भी मुसलमान हाकिम से लिया था, इसलिए भी उसे रकीब का वजूद बर्दाश्त नहीं था। सो सूलियाँ अगर मुसलमानों को देने के लिए लकड़ी कम पड़ गई तो दरख्तों के ऊपर मुसलमानों को टांग दिया गया, और जीटी रोड जैसी शाहराहों पर, ताकि जितनी मखलूक़े खुदा गुज़रे वो देखे और इबरत पकड़े कि अंग्रेज़ से टकराने का क्या नतीजा होता है। ये सानहा बिलाशुबा एक रंग हमारी नात को भी और दे गया, वो जैसे कहते हैं उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। अपना दर्द बयान करने की जो सूरत थी, मुस्लिम उम्मत जो थी वो जवाल का शिकार थी और अबतरी का शिकार थी, और सल्तनत जो थी मुसलमानों की वो ख़त्म हो गई थी, और मुस्लिम माशरा माहिल बा इन्हिताद था, इखलाकी तौर पर भी और सियासी इख्तदार के तौर पर भी। उस ज़माने में एक गोया शिकायतनामा लेकर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और उनसे तवज्जो के खास्तकार होते हैं। जो फितरत ने लचक अता की मुसलमान को, उसका अब ये एक और पहलू था जो ज़ुहूर नसर के अंदर भी कर रहा था और मुनाज़रों के अंदर भी ज़ाहिर हो रहा था और नात के अंदर भी सामने आ रहा था।
वो सदी 19वीं सदी मनाज़रों की सदी भी थी, उलमा के पीछे चलने वालों की सदी भी थी, उलमा के सियासी तजुर्बा करने की भी सदी थी। मगर अहम बात यह है कि उर्दू नात जो कदीम ज़माने से दखनी अहद से नज़म में लिखी चली आ रही थी, और नज़म ही जिसका मीडियम था जिसमें तसलसल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सवाने और उनके महामिद और उनका पैगाम और फिर उनके मगाज़ी वो बहस में आते। तो ये रविश भी सलामत रही, लेकिन अब नात से अपने मसाइल को पेश करते हुए खुदा से इस्तेआनत भी मांगी गई, हुजूर के उसवा से रोशनी भी चाही गई, उनकी सीरत को बयान भी किया गया और मुल्की कौमी दुख को भी सियासत के हद तक बहस में लाया गया। ये सूरत नात की जो उस ज़माने में सामने आती है, कहीं फरंगी महल के उलमा के कलम से भी दिखाई दी, तहरीक मुजाहिदीन के नाते भी हम देखते हैं। मोमिन खान मोमिन जो उर्दू के सफ़े अव्वल के गज़ल गो थे, वो मसनवी जिहाद लिखते हुए और दुनिया को इमाम ज़माना की पैरवी में शामिल होने के लिए, जिहाद के लिए कमरबस्ता होने के लिए तैयार कर रहे थे। और हम देखते हैं कि इनफ़िरादी तौर पर भी उलमा ने अपने नाते ज़ाती कोशिशों से हुजूर की सीरत को, उनके पैगाम को, इस्लाम की तरफ पलटने के मशवरे को, कुरान से रहनुमाई लेने को, इन चीज़ों को भी मौजू किया गया। उस ज़माने में मौलाना लियाकत अली अलाबादी की नज़्म ख़ास तौर पर बड़ी नुमाया होती है। उस ज़माने के अंदर मुफ्ती सैयद अहमद ख़ान की शायरी सामने आती है। तो ये वो ज़माना था कि मौलाना फजल हक खैराबादी, मुनीर शिकोआबादी और ज़मीर अहमद बदायूनी, ये लोग उस दर्दमंदी को सामने ला रहे थे जो आम आदमी मुसलमानों की बदहाली पर महसूस कर रहा था। खावरे हिजाज के रक्षिंदाफ़ताब, खावरे हिजाज के रक्षिंदाफ़ताब, सुबहे अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़या। उर्दू ज़बान का जो एक इम्तियाज़ ये है कि ये जब से शुरू हुई है, पहला शायर जो है कुतुब कुली शाह उससे लेकर अभी तक जितनी शायरी की किताबें छपती थीं अक्सर उसमें ये रवायत सादत के तौर पर थी कि पहले हमद शामिल की जाती थी दीवान में और फिर नात और उसके बाद मनकबत के कसीदे होते थे और फिर शायर अपनी गज़लियात वगैरह करता था। गुज़श्ता सदी में आप अगर गौर करेंगे तो बाज़ बड़े मुख्तलिफ़ नादगो शुरा आपको सामने मिलेंगे। मसलन एक बड़े शायर हैं अमीर मीनाई, और अमीर मीनाई जो हैं वो फ़ारसी में भी और उर्दू में भी उनके तबहुर इल्मी और उनके जो शायराना
फजीलतें हैं उसका सारी दुनिया उसका एतराफ़ करती, उनकी नातें हैं और उसमें बहुत ही वालेहानापन भी है और एहतराम और मंजिलत का एतराफ़ और उसका बयान है। एक और शायर जो जिनका जिक्र किया जाना चाहिए वो हाली हैं, और हाली का जो मुसद्दस है ख़ास तौर पर और इस्तगासी की जो सूरत है, ख़ास है ख़ासान रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। 1857 का सानहा जो कि दिल्ली के दुख की शक्ल में हाली बयान करते हैं, तज़किरा दहली मरहूम का दोस्त न छेड़, न कहा जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, तो उसके अंदर इतनी बड़ी तबाही बयान की गई है कि मालूम होता है कि दिल्ली इससे पहले तो हीरों और जवाहरों जैसे इंसानों से भरी हुई थी जिसकी हम लोगों ने कभी कदर अफजाई ही नहीं की, जिसकी हमने कभी याद आवरी ही नहीं की थी, कैसा कैसा नाबगा रोज़गार यहाँ मौजूद था, ये ममलुकत कितने बड़े लोगों के हाथों इंतज़ाम में आत में थी। तो हाल ही की फिर ख़ास तौर पर जो मुसद्दस है वो उसने नात के अंदर कमाल किया, और वो लोगों के दिलों में रासिख हो गई, लोगों के ऐवान हाय अहबाब में, लोगों के ड्राइंग रूमों में तस्करे में आई और लोगों ने उसे फ्रेम करा के अपने घरों में लगाया। हाल ही के मुसद्दस लिखने के बाद हम देखते हैं कि कौमी मामलात को बयान करने की एक रो चलती है, हम ज़फ़र अली ख़ान के हाथों कौमी और मुल्की सियासी हालात भी देखते हैं और इसी तरह से और बड़े दानिश्वरों के हाथों ये सिलसिला आगे चलता है। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के। नात पूरी दुनिया में लिखी जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है, लेकिन हर इलाके का सकाफ़ती असर नात पर असरअंदाज होता है। हमारे मुआशरे में नात को बग़ैर साजो साज के पढ़ा जाता है, सुना जाता है, और ज़्यादा तसव्वुर यही किया जाता है कि नात को बग़ैर साजो साज के पढ़ा जाए और पेश किया जाए, लेकिन जब हम अरब के दूर दराज के इलाकों के सकाफ़त को देखते हैं तो हमारे सामने एक नया रंग आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नात गोई में मुख्तलिफ़ किस्म के आलात साज को इस्तेमाल में लाया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पेश की जाती है, और ख़ुसूसी तौर पे हम ये देखते हैं कि अरबों में आप बात करें अगर मराकश की, मैंने ख़ुद इस बात की वहाँ पे जाके समात की ये देखा है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के खुशी के मौाक़े आते हैं तो उन खुशी के मौाक़ों पर बकायदा लोगों के गिरोह मौजूद हैं, लोगों के
एक पार्टी है जो कि इन मवाक़ों के ऊपर लोगों के घरों में जाती है और नहायत महज़ब अंदाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुजूर नात का नजराना पेश किया जाता है। हर ज़बान में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तहरीर की गई है और उस ज़बान का असर उस इलाके के लोगों पर उस नात के ज़रिए यकीनी तौर पर पड़ता हुआ नज़र आता है। आप जब बरसगीर पाको हिंद की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे शुआरा भी नज़र आते हैं जिन्होंने तीन तीन चार चार ज़बानों में एक ही नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मदा सराई की है और ये असर है उस ख़ास सकाफत का जो किसी ख़ास इलाके के अंदर मौजूद होती है। वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरों में मेहराब वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरों में मेहराब वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं। शायरी में जो बातें आती हैं वो बातें सबसे पहले मिदहत आँ जनाब के हवाले से सामने आती हैं। इन बड़े नामों में शिबली, हाली, अकबर, नज़्म तबातबाई, इकबाल, हफीज़ जालंधरी, ये नाम सामने आते हैं। इन सब नामों के अंदर जो मुल्की मुआमलात हैं उनकी सियासत के हवाले से भी इस्तमदाद की गई, मुसलमानों की बदहाली के नाते भी मदद मांगी गई, जो मुसलमान की ख्वाहिशात की पामाली बरे सगीर में हो रही थी उस दुख दर्द को भी बयान किया गया और आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के खैर का रास्ता इस उलझी हुई दुनिया के अंदर तलाश करने की कोशिश भी की गई। तो हम देखते हैं इस ज़माने के अंदर मौलाना अहमद रज़ा ख़ान, हसन रज़ा ख़ान, ग़ुलाम सरवर लाहौरी, बेदम वारसी, ये नाम जो हैं हमें नात के अंदर सामने आते दिखाई देते हैं। और कदीम रंग भी अभी चल रहा था नात का, जिसमें शायख हैदराबादी, जलील मानकपुरी जैसे बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन अब नात का जो रंग बनता है वो सिर्फ़ आ हुजूर के मगाजी और दूसरी मुहिमात का ज़िक्र नहीं करता, अब वो सिर्फ़ आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक की तस्वीर कशी नहीं करता, अब वो सिर्फ़ आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मुबारक के मीलाद नामा नहीं लिखता, अब वो ये सब कुछ भी करता है लेकिन इसके साथ आ हुजूर के पैगाम को भी सामने लाता है। क़ुरान की रहनुमाई इख्तियार करने का भी मशवरा नात देती है। अब वो
मुसलमानों की इज्तिमाई सूरत हाल में उनके मुआमलात को संवारने की कोशिश भी हमारी नात के अंदर कहीं कहीं बोलती दिखाई देती है, ताकि उनकी बदहाली रफा हो, वो भी सर उठाकर चलने के काबिल हों। सो उस ज़माने की नात के अंदर हम देखते हैं कि नज़्म की बजाय अब गज़ल के रंग के अंदर दो मिसरे का एक मज़मून बाकायदा चलने लगा। जैसे गज़ल में हर दो मिसरों का एक शेर एक अलग मज़मून बयान करता है, एक मुकम्मल मज़मून। नात ने मुंतशर मज़मून तो बयान नहीं किया कि जिसको मुंतशर ख्याली कहा जाए, उसने तमाम दो मिसरे जो थे, जिनको मैं दो मिसरा कह रहा हूँ, मेरी मुराद शेर से है, तमाम अशार के अंदर एक बातनी रब्त आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का सलामत रखा। कहीं उनके महामिद बयान में आए, कहीं आपका हुलिया बयान में आया, कहीं आपकी तालीम बयान में आई, कहीं आपका आला ख़ानदान बयान में आया, कहीं आपका पैगाम जिसने कि दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया था वो आया, कहीं वो रहनुमाई जो कि हमें मुसलमान होने के नाते आ हुजूर का लाया हुआ कुरान बख्श सकता है, कहीं उसका ज़िक्र हुआ। इससे पहले फ़ारसी में शायर ने कहा था कि ये नात कहना ये कसीदा निगारी की तरह नहीं है कि बादशाह की शान में जो जी में आए कह दो। यहाँ तो एक हर्फ नाजायज़ कहना अल्लाह की नाराज़गी को ख़रीद लेना है, और एक हर्फ उनकी शान में कम कहना उनकी तौहीन के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो ये बहुत एहतियात का मकाम है, ये नात कहना यूँ है जैसे तलवार की धार पर चलना। एक बड़ा नाम है मोहसिन काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह का, जी के मौला की नवाजिश नेहा खुलती है, इज़्ज़त मेरी पेश कुदसियाँ खुलती है, कह दो ये मलक से गोश बर आवाज़ रहे, मद्दाहे पैंबर की ज़बाँ खुलती है। और फिर उन्होंने एक ऐसा कसीदा लिखा, वो भी लामिया है कसीदा, समत काशी से चला जाने बे मथुरा बादल। और ये कसीदा देखिए, तमाम कुफर की इस्तिलाहें इस्तेमाल करके ईमान के रास्ते का सफ़र जैसा उन्होंने बयान किया है, ये उनके कसीदे पे समझिए। और उन्होंने सारी ज़िंदगी कसीदे लिखे, और कुलियात मोहसिन जो है वो कोई वरक ऐसा नहीं है, सरापा लिखा है, मेराज नामा लिखा है, रुबाइयाँ हैं, सब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तस्लीम की मोहब्बत में डूबा, मगर बिल्कुल जुदा गाना, पूरी फ़न की और हुनर की के जितनी रानाइयाँ हैं, और यानी सनाए बदाए बयान की खूबियाँ, ख़याल आराइयाँ, मजमून आराई मोहसिन के कसीदे पे ख़त्म है। चुनांचे हमारे एक नक्काद हैं मोहम्मद हसन अस्करी, और उन्होंने उस कसीदे पर सबसे पहले तवज्जो की, और उन्होंने बताया कि नात मोहसिन का कसीदा और मोहसिन की जो नात गोई है वो दूसरे नात गोयाने बड़े सगीर से कदरे मुख्तलिफ है। और उन्होंने तनकीद में बाकायदा एक दबिस्तान कायम किया जो जदीद गोया नक़्द व नज़र के तकाज़ों को पूरा करता है। हश्र का दरबार लगा हुआ हो तो कौन मुझसे कहे, जिब्रील कहें, कहें जिब्रील इशारे से कि हाँ बिस्मिल्लाह, कहें जिब्रील इशारे से कि हाँ बिस्मिल्लाह, समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, के मोहसिन ज़रा वो सक कसीदा सुनाओ अपना हुजूर को, संत काशी से चला जाने में मथुरा बादल। हम देखते हैं कि संत काशी से चला जाने में मथुरा बादल, बर्क के दोष पे लाई है सबा गंगा जल। ये हिंदी लहजे वाली नात मोहसिन काकोरवी की उस जमाने सामने आती है
जब हम आखिरी बार कोशिशें कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम शायद इकट्ठे रह जाएं, शायद मुल्क अलग ना करना पड़े, शायद हिंदू बर्दाश्त कर ले मुसलमान के अलहदा वजूद को, शायद मुसलमान से तंग नज़री, मुसलमान से नफ़रत की फ़िज़ा हिंदू जहन से अलग हो जाए, तो मुसलमान अब कोशिश कर रहे थे कि अपनी शायरी के अंदर हिंदी लफ्ज़ियात इस्तेमाल करें, हिंदी तारीख़ के हवाले दें, हिंदुओं की मज़हबी रिवायात जो हैं हत्ता के उनके हवाले इस नात के अंदर ये जो कसीदे की शक्ल में लिखी गई मोहसिन काकोरवी की यादगार लाफानी नात, जिसका मैंने ज़िक्र किया, समत काशी से चला जानेब मथुरा बादल। अब देखिए काशी और मथुरा ये सब बर्रे सगीर के शहर हैं, ये बर्रे सगीर के बाहर की मतलब है कि लैंडस्केप नहीं है। रूह में नक्श छोड़ती सूरत, रूह में नक्श छोड़ती सूरत, वो पयंबर के हाशमी सूरत, रूह में नक्श छोड़ती सूरत। तो मुस्लिम तहजीब का अदब में जब ज़हूर होता है तो नात अपनी उस ताज़ा तरीन शक्ल में ज़हूर करती है जिसके अंदर बमुस्तफ़ा बरसाख इशरा के दी हमा उस्त को देन में रखा जाता है और सोचा जाता है कि उनके हुजूर में बात करना है तो ये मकाम वो है कि जहाँ जिब्रील एहतराम के साथ आता है, लिहाजा इंतहाई शाइस्ता लहजा, इंतहाई नफीस और लतीफ़ आवाज़, इंतहाई नाजुक जज्बा, ये सब अब नात के लवाजिम हुए। तो इस ज़माने के अंदर हम शेर सुनते हैं, ज़फ़र अली ख़ान जैसा बुलंद आवाज़ में बात करने वाला वो भी कहता है, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ झलकने वाली थी कुल दुनिया के दरबारों में, और हफीज़ शाहनामा इस्लाम लिख कर लाते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि किस किस तरह बायकॉट मुसलमानों के किए गए, शेर अबी तालब में कैसे उन्हें महसूर रखा गया कि ये नफूसे कुदसिया खाने की हर चीज़ को तरस गए, जूतों के चमड़े उबाल कर खाने पर मजबूर हुए, ये सताने की इंतहा थी। तो हफीज़ का शाहनामा इस्लाम कौन है जिसने नहीं सुना, सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौए इंसानी, तेरे आने से रौनक आ गई बाजार हस्ती में। हज़रत बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह, अब बेदम वारसी इतने कम लिखा है, कुलियात बेदम शाया हो चुकी है पाकिस्तान में, और मैं अपने बचपन से उनकी नातें सुनता आया, उनकी गज़लें। वो हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग थे हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, देवा शरीफ के, उनके मानने वाले वारसी कहलाते हैं। तो वो दरवेश थे, केसरी रंग के जर्द रंग के कफनी सी पहने होते थे, पापा रहना रहते थे, गज़ल भी कहते थे, और क्या के तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए, देने वाले तुझे देना हो तो इतना दे दे कि मुझे शिकवा कोताही दामा हो जाए। तो बेदम वारसी ने गज़लें बहुत अच्छी कही, कसीदे कहे कि आई नसीबें कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
खींचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैबा की जानिब जाने वाले वालों आँखें खोलो, होश संभालो, देखो रुखे दिल जुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काबे का काबा कुए मोहम्मद, भीनी भीनी खुशबू महकी, बेदम दिल की दुनिया लहकी, खुल गए जब गेसुए मोहम्मद। बेदम आरसी और अमी मीनाई और मोहसिन काकोरवी और एक बड़ा नाम, और ऐसा बड़ा नाम कि जब तक उर्दू की नात और उर्दू ज़बान ज़िंदा है उनकी नातें पढ़ी जाएंगी, वो हैं आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जनाब दोनों ज़बानों को मिल के अवधी और फ़ारसी और चारों ज़बान मिला के भी नात लिखी, और वो भी कसीदे लिखे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें रज़ा, यानी जब मैदान हश्र हो और दरबार लगा हुआ हो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा हूँ और तमाम अम्बिया और सहाबा और अहले बैत और उलमा सब औलिया सब जमा हों, और उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी फरिश्ते से ये कहें कि ज़रा अहमद रज़ा ख़ान से कहो कि वो जो मेरा कसीदा है ना वो पढ़े, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें ए रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो आला कसीदा पढ़ दीजिए। البحر ولا والموج تغار من بك سطوفه شربا من بك سو मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लम्या तिनजीर कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। हमने देखा नात के अंदर जो बड़ी करवटें हुई उनके अंदर इकबाल सोहेल साहब की एक आवाज़ थी जिन्होंने इसका मेयार बनाया, और उन्हीं के अंदर अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की एक आवाज़ है, और आ हुजूर की हर हर चीज़ के साथ मोहब्बत, उनके हर हर रवैये को अपना मेयार बनाना उनकी नातों का मजमूआ। एक वही नहीं बेशुमार लम्याते नज़ीरों का फ़ी नज़रन मिसले तो नशुद पैदा जाना। ये अब आप देखिए फ़ारसी अरबी हिंदी उर्दू इन चार ज़ुबानों के मजमूए से नात कही है। सबसे मुमताज़ और सबसे बड़ी आवाज़ नात की जो है वो इकबाल की आवाज़ है, फ़ारसी में भी और उर्दू में भी। जो अशार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी के बारे में हैं उसका मैं क्या मैं अर्ज़ करूं कि मिल्लत मुस्लिमा की शनाख्त के लिए और उसकी बेदारी के लिए और उसकी फजीलत के लिए बार बार
वो हुजूर का जिक्र फरमाते हैं, मैंने कोई लफ्ज़ कुरान के अलावा नहीं लिखा, जो भी मैंने लिखा वो जो भी मैंने मेरी तफहीम थी, जो फहम था, शऊर था, उसकी रोशनी में कुरान को पढ़ा और मैंने उसको नज़्म किया और उससे इस्तेफादा किया और उसकी तबलीग की। ये उनकी ज़िंदगी का मिशन था। इकबाल के यहाँ शायरी का लहजा ही हैरान कुन है। मैंने जब पहले पहल बाले जबरील को पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि क्या ये लहजा भी हो सकता है गज़ल का। मोहम्मद भी तेरा, जबरील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ़ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। उसे सुबह अजल इनकार की जुरत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राजदा तेरा है या मेरा। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये है इकबाल का लहजा, ऐसे लगता है कुरान बोल रहा है, ऐसे लगता है हदीस वाली बातें, कुरान वाली बातें सामने आ रही हैं। तो इकबाल के पास एक जलाल भी है। इकबाल लफ्ज़ को उसकी शान के हवाले से इस्तेमाल करता है, उसकी नरमी के हवाले से इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन करिश्मा यह है कि नरमी शेर की ज़रूरत है, सख्ती ज़रूरत नहीं है। इकबाल लफ्ज़ को शान के हवाले और ठाट के हवाले से बरतता है, लेकिन वही हुस्न पैदा करता है जो कि दूसरे शायर नरमी से पैदा करते हैं। उसका शेर दिलों में तराजू हो जाता है। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासी वही ताहा, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहित में हबा। वो दानाए सुबुल खत्मुल रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। किसी दूसरे शायर को ये जुरत नहीं हुई कि वो ये बात कहता जो इकबाल ने कही कि अगर मैंने कुरान से यकसर मूवी इन्हराफ किया हो तो अल्लाह सुबहान ताला रोज़े महशर खारो रुस्वा कुनमरा, तो मुझको क़यामत के दिन रुस्वाई नसीब हो। और सबसे बड़ी सज़ा क्या आपने लिए तजवीज़ की, बेनसीब अज बोसे पाकुन मरा। मैं नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम के कदम मुबारक का बोसा भी देने की सआदत से महरूम कर दिया जाऊँ अगर मैंने कुरान से यकसर मुँह इन्हराफ किया हो। हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने एक बात ऐसी कही कि रदियोबंद हुसैन अहमद इन शबुल अजीब सुरोद बरसरे मिंबर के कौम अज वतन अस्त, चिब खबर मकाम मोहम्मद अरबी अजम हनूज न दानत रमूज दी वरना। तो उन्होंने एक बयान दिया कि कौमें जो हैं वो
वतन से बनती हैं। तो इकबाल ने उससे इनहराफ किया, उनका तो ये ख्याल था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी के जो मिलत मुस्लिमा है, ये बिल्कुल जुदागाना है। और फिर उन्होंने कहा कि एक है इसकी शनाख्त, बमुस्तफ़ा बरसां खीश राकदी हमाउस्त, अगर बहू न रसीदी तमाम बूला हबीस्त। सिर्फ और सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमारा हदफ है, जो हमारा मुंतहा है, जो हमारी मंजिल है। उन्हीं का इत्तेबा, उन्हीं की पैरवी, उन्हीं के हुक्म को बजा लाना हमारी ज़िंदगी का मिशन है, और वही हमारी ज़िंदगी को बामानी बनाता है। अजीम सूफ़ी आलिम फ़कीह हज़रत बाबा मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब उनकी ज़ात गिरामी और उनका सरचश्मे फैज़ान अभी तक जारी है, और सब पढ़ते हैं कि थे मेहर अली कि थे तेरी सना, गुस्ताख अखी कि थे जा अड़ियाँ। अच्छा, आम तौर पे लोग जा लड़ियाँ पढ़ते हैं, मगर वो मिसरा उसका जो सही है वो यही है कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियाँ। अच्छा, किस कदर शोहरत अल्लाह ने इस नात को दी। मुख चंद बदल शाशा मथे चमके लाट नुरानिए, मुख चंद बदे शाशानिए, मथे चमके लाट नुरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखीं मद भरिया, अज सिक मित्रां दी वधेरिए, क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए। पाकिस्तान से बाहर एक बुज़ुर्ग हैं जो नात के सिलसिले में बहुत मशहूर हुए, उनके नाम के साथ ज़ायर हरम लिखा जाता था, हमीद सिद्दीकी, उनकी नातें बहुत मशहूर हुई। फिर इकबाल सुहेल हैं, उनका मजमूआ है ताबिश सुहेल, उन्होंने भी बेदम के इत्तबा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रदीफ़ में बहुत अच्छा कसीदा लिखा है। यहाँ पाकिस्तान के क़याम के बाद नात बहुत लिखी गई। उर्दू अदब की सैकड़ों बरसों को मुहित तारीख में कभी नात के इतने मजमूए नहीं छपे जितने पाकिस्तान के क़याम के बाद छपे, और गुज़श्ता 50 बरस में तो बहुत मजमूए छपे। माहिरुल क़ादरी साहब हमारे एक बड़े नातगो, नईम सिद्दीकी साहब और एजाज़ रहमानी एक हमारे शायर थे, और वो नात ही उन्होंने लिखी। और जैसे अब जो नाम नुमाया हुआ हाफिज़ मंसूरुद्दीन साहब, उन्होंने बहुत अच्छी नातें लिखी, नहायत आला दर्जे की नातें उन्होंने लिखी। और क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुमाया वो सिर्फ नात ही, हमदोनात ही, यानी गज़लें वगैरह लिखी होंगी, मगर शोहरत उनकी वही थी। हफीज़ तायब साहब बहुत बड़ा नाम है नात का, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है, और अगर उर्दू में भी उन्होंने जो नातें लिखी हैं वो उर्दू अदब की जो तारीख है नात की उसकी बेमिसाल शायर हैं। बशीर हुसैन नाज़िम, वो अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर भी तसल्लुत था उनका, और
उर्दू में भी शेर, उर्दू में शेर कहते थे, पंजाबी में शेर कहते थे, तो उन्होंने बहुत ज़खीरा छोड़ा। हकीम सर्व सहारनपुरी यहाँ थे, बहुत ही उम्दा नाते हैं। अच्छा, अब मैंने उनका इस गिरामी हनीफ नाजिश था, उनके कई मजमूए आए और वो सिर्फ नाते लिखते थे, नहायत आला दर्जे के नाते, यानी मेरे नज़दीक वो बहुत अहम शायर हैं, लेकिन नज़रअंदाज हुए। दर पे आया हूँ बड़ी मुश्किल के बाद, ऐ मेरी उम्र रवां आहिस्ता चल, बारगाह कुद्स में आहिस्ता बोल, हो ना सब कुछ राएगा आहिस्ता चल, सारे आलम कहीं भी घूम फिर ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर अजीम तर है, कमाल खलाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है। मेरा पयंबर अजीम तर है, वो शर्ह आगा काम हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नज़ारा है खुद नज़र है। मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। अच्छा, मुजफ्फर वारसी साहब, अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त बख्शी, उन्होंने बहुत अच्छी गज़ल भी कही और लहन भी अल्लाह ने उनको बहुत उम्दा दिया था, और सारी दुनिया में उनकी नातें उनके लहन में पढ़ने की नकल की जाती है, इस कदर अच्छा वो पढ़ते थे। और रहमतुल्लिल आलमीन, और तो उनका समझिए मार्का आरा कसीदा है एक तरह से, तो मुजफ्फर वारसी का नाम है वहाँ। माहिरुल क़ादरी साहब, इकबाल अज़ीम साहब ने बहुत अच्छी अच्छी नातें लिखी। ख़वातीन में हमारी यास्मीन हमीद की नातें छपी हुई हैं जो किताबों में देखने में आती हैं। एक तस्वीर फातिमा एक ख़ातून हैं जो कराची में रहती हैं, वो मज़हबी शायरी कह लीजिए उसको, नक़द नात के लिए बहुत ज़्यादा काम पहले नहीं हुआ था, लोग उसको बस एक सिंफ ऐसे कि भाई अब किताब छप रही है तो हम भी छप जाए, नात हो जाए, कसीदा हो जाए और फिर गज़ल हो जाए, इस तरीके से तबर्रुकन हुसूल सआदत के लिए उसको शामिल कर लेते थे। लेकिन अस्करी साहब के बाद अबुल खैर कशफी हमारे एक बुज़ुर्ग हमारे उस्ताद की मंजिल में थे, उन्होंने नात की तनकीद के बारे में, सलीम कौसर ने बहुत अच्छी नातें लिखी। क्या मेरे हाथों से खुशबुएं जाती नहीं, मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। कुछ नहीं मांगता शाहों से,
ये शैदा तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से, ये शैदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। लोग कहते के साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया कुछ नहीं मांगता शाहों से, ये शैदा तेरा। हमारी ज़िंदगी का हकीकी मुद्दा और मकसद क्या है? एक तरफ अल्लाह वादहु ला शरीक की इबादत और दूसरी तरफ अल्लाह वादहु ला शरीक के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के साथ ना सिर्फ मोहब्बत का इजहार बल्कि इस जज्बे का भी इजहार कि इसी मोहब्बत के नतीजे में हमें आपकी सीरत तैयबा को आम करने की ज़रूरत है। तो हकीकत में नात के सुनने से एक रूहानी कैफ पैदा होता है और इसी रूहानी कैफ के नतीजे में वो मुसलमान ज़्यादा बाअमल बाअखलाक और अच्छे किरदार का हामिल बन जाता है। हमारी नात ने हर इंसान के खैर के इस रास्ते की तरफ हर हवाले से बुलाया है। अब इसमें तबलीग की बात भी है, इंसार और डराने की बात भी है, इसमें बशारत की बात भी है। कैसे कैसे नाम हैं, कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगियां सर्फ कर दी, वक्फ कर दी नात कहने के लिए। ऐसे भी लोग जिन्होंने दोबारा नहीं कहा, और ये एक सिलसिला पीर नसीरुद्दीन नसीर तक चलता है। अल्लाह इस सिलसिले को सलामत रखे। और ये शमा दस्त ब दस्त आखिरी मुसलमान तक जाए, क़यामत के आने तक ये काम जारी रहे, ये शमा दस्त ब दस्त आगे बढ़ती जाए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक
बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है,